नोटबंदी ने और जीएसटी ने लाखों छोटे व्यापारियों को, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को बंद कर दिया। आज हालत है कि देश चाहे भी, तेलंगाना चाहे भी, रोजगार नहीं दिया जा सकता। ये हिंदुस्तान और तेलंगाना की सच्चाई है। और एक तरफ बेरोजगारी तो दूसरी तरफ महंगाई। पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम बढ़ते जाते हैं। गैस सिलेंडर 400 रुपए का होता था, मोदी जी शिकायत करते थे, आज 1000 रुपए का हो गया है, मोदी जी एक शब्द नहीं कहते। और बेरोजगारी और महंगाई के बीच में तेलंगाना की जनता पिस जाती है। दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और यहाँ तेलंगाना में केसीआर की सरकार है। लोकसभा में जो भी बिल नरेंद्र मोदी जी पास करवाना चाहते थे, टीआरएस उनको पूरा समर्थन देती थी। जो तीन काले किसान के खिलाफ कानून थे, पूरा समर्थन टीआरएस ने उनको दिया। और हम असेंबली में कानून के खिलाफ रेजोल्यूशन लाए और टीआरएस ने समर्थन नहीं दिया। तो मैं यहाँ साफ कहना चाहता हूँ, हमारे लिए टीआरएस और बीजेपी एक ही चीज है। ये एक ही सिक्के के दो भाग हैं और ये दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। ये आपको समझने की जरूरत है। ये एक दूसरे की मदद करते हैं। दिल्ली में टीआरएस उनकी मदद करती है और तेलंगाना में बीजेपी इनकी मदद करती है। और दोनों की दोनों पार्टियां लोकतंत्र के खिलाफ हैं, पैसे की राजनीति करती हैं, एमएलए खरीदने का काम करती हैं, सरकार गिराने का काम करती हैं। देश की सबसे भ्रष्ट सरकार आज तेलंगाना में है। जहां भी ये चोरी कर सकते हैं, ये चोरी करते हैं।